बैठो। मैं उस ड्रग्स इंस्पेक्टर को खामोशी की डोज दे आया। और तनवीर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस कपड़े को उस फाइल में छोड़ो, आज वही काम आया है, वरना ड्रग्स इंस्पेक्टर के सामने बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन डैड, ड्रग्स इंस्पेक्टर हमारे सैंपल्स ले जा चुका है, अगर उनमें हमारी मेडिसिन निकलाई तो क्या करेंगे हम? डोंट वरी बेटा, माय डियर, कहते हैं कि अगर खेल को लंबे अरसे तक एक ही तरीके से खेलोगे तो खेल तुम पर हावी हो जाएगा, और अगर पैंतरे बदल बदल के खेलोगे तो तुम खेल पर हावी हो जाओगे। तुम्हारे डैड ने हमेशा खेल के रूल्स बदल बदल कर खेला। अब तुम ये देखना कि मैं उस ड्रग्स इंस्पेक्टर को इदरीस के हाथों ही खामोश करवाऊंगा, और इदरीस को भी पता नहीं चलेगा, और मैं भी सामने नहीं आऊंगा। और अगर इसके बाद भी कोई खतरा हुआ तो? इस फैक्ट्री को बर्न कर देंगे। क्या? आप फैक्ट्री जला देंगे? ऑफ कोर्स। इस शहर में कितनी फैक्ट्रियां जलती हैं और सारा रैकेट खत्म हो जाता है, पैसा बम बार। यहाँ से आगे बताइएगा। क्या हो गया बेटा, क्यों रोक रही हो? आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज कैसा? पहले आप प्रॉमिस करें कि आप पीट देंगे। चलो ठीक है, भाई ले जाऊंगा आप, ठीक है, ओके। अच्छा, पहले आंखें बंद करें। क्यों आंखें बंद करवा रही हो? करें तो। अच्छा ये लो बाबा, आंखें बंद कर। अच्छा आप मेरे साथ आगे चले, थोड़ा सा और आगे बस। कहाँ ले जा रही हो बेटा? बस दो कदम और, प्लीज चले ना। अच्छा भाई दो कदम। अरे भाई दो कदम क्या, छह कदम हो गया, कहाँ ले जा रही हो? आगे बोले, सरप्राइज। आई एम सो हैप्पी, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू। सलाम। वालेकुम सलाम भाई। असद कैसे हो, ठीक हो? ग्रेट ग्रेट। अरे क्या सरप्राइज दिया आपने। बताना तो था मुझे कम से कम। अरे मैं बताने ही वाली थी आपको, मगर इन दोनों ने मना कर दिया कि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। अच्छा, इस बात पे तो ट्रीट बनती है। थैंक यू। जहां हम पहले गए थे वहां अब नहीं जाएंगे, अब चार पांच दिन का प्रोग्राम बनाते हैं कोई अच्छी सी जगह पिकनिक का, ठीक है? डैड ये मोमोज आरापी का रह गया। बेटा आपने मुझसे ट्रीट मांगी थी, अब वो सारी ट्रीट अरेंज करने के लिए आपकी मामा को भी करना पड़ेगा ना सर। मैं पता करता हूँ कहाँ रह गई। ओके वेट। हाँ भाई कहाँ हो गया सब? तो कितनी देर लगेगी? चलो ठीक है, पहुंच गए। आ जाए। ओके ओके डैड। हाँ बेटा। मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मॉम आ गई है, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। बेटा देखो मामा के साथ सामान निकलवाओ, तुम ऐसा करो मेरे कमरे में आ जाओ। आओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। खैर चलो, ये तो चलते ही रहता है दुनिया में। हाँ भाई हिरम बेटा, खैरियत तो है ना? जी डैड, हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। अच्छा सब खैरियत तो है ना? जी अंकल सब ठीक है। अच्छी बात है। अरे वो तुमने कोई बात करनी थी हिरम बेटा, बताओ क्या बात है, खैरियत? डैड वो एक्चुअली मैं इसलिए आई हूँ। हाँ हाँ बताओ क्या बात है, कोई मसला है क्या? जी डैड मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो बताओ। नहीं डैड मसला नहीं है, बल्कि मसला है।
कम ऑन बेटा, खुल के बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम। क्या हमें सहन की बातें सुननी चाहिए? हाँ जरूर सुननी चाहिए, कब हम छुपी हुई थोड़ी है, इसमें हस्बैंड वाइफ की बातें हैं। और वैसे हम कोई बच्चे थोड़ी हो, हम बच्चे थोड़ी हैं। क्या हो रहा है? वो मॉम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा। क्यों पिंकी? मॉम बस यहीं से जा रहे थे बस। हाँ हाँ मैं जानती नहीं हूँ तुम दोनों को, जैसे ना यहीं से जा रहे थे। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात है छुप कर किसी और की बातें सुनना, बल्कि ये तो बड़ी वाली छोटी वाली। चलो चलो तुम। मैंने तो अम्मी को बहुत मना किया था लेकिन मेरी बात सुनी नहीं उन्होंने। ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम लोग खामखा इसके लिए परेशान हो रहे हो। आपा मुझसे डायरेक्ट भी ये बात कर सकती थी, उनका पूरा हक है मुझे। एनीवे मैं कल सुबह आप लोगों को पैसे अरेंज करके देता हूँ, आप लोग जाओ लेके। और ये उधार मांग कर लेने की क्या जरूरत है सर बेटा, ये तो आपस की बात है। फिलहाल तुम लोग पैसे लेकर जाओ, बाद में देखेंगे सब। थैंक यू डैड। नो प्रॉब्लम मैडम। ये मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। वह गिराएगा क्या कोकेन? इतना सा स्टफ बचा है सारी रात का। और तुझे आज के लिए मजा क्यों नहीं आ रहा? अबे मैं अपने घर वालों की नजरों में आ चुका हूँ, क्या बनना चाहता था और तुम दोनों ने क्या बना दिया मुझे। अबे हमने क्या बना दिया, तू खुद हमारी गैदरिंग में आया था, हमने तेरे हाथ में कुकिंग और सिगरेट पकड़ाई थी, अब हमें क्यों ब्लेम दे रहा तू? रहने दे इमरान, ये पहले बहुत डिप्रेस है, मजीद डिप्रेस मत कर। और हमें भी डिप्रेस कर रहा है। इमरान सही कह रहा है यार, तू चिल कर, रिलैक्स कर, स्टफ एंजॉय कर। चिल मैन। चिल करूं? कैसे चिल करूं? मेरी मॉम और सिस्टर ने इंटरोगेशन शुरू कर दिया, झूठ बोल बोल कर थक गया हूं मैं, अब क्या करूं मैं? तुम्हें अपनी माँ और सिस्टर को जवाब देना होता है ना, आज से इसके लिए कुकिंग बंद। सुन लिया तूने? और तू भी सुन ले, आज से इसके लिए कुकिंग बंद। क्या बंद है? कैसे बंद? कोई कुकिंग सुकिंग बंद नहीं होगा। असद आपा को मेरी तरफ से बहुत पूछना, और तुम भी आपा का ख्याल रखा करो। ये लो असद बेटा, आपा को सलाम कहना होता है। चले जी, आप जाए मैं आती हूँ। चले खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ कहना है बेटा? जी डैड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। नहीं मेरे बच्चा, सॉरी की क्या बात है इसमें, हाँ मेरा जो कुछ है तुम्हारा ही था। जा अल्लाह हाफिज। असद इंतजार कर रहे थे इधर से, जल्दी आओ। जाओ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इरम को खुदा हाफिज कहने क्यों नहीं आए? मेरा उसकी आंखों में जो शर्मिंदगी थी वो मैं देख नहीं सकता। वैसे आपा को इस तरह इरम से पैसे नहीं मंगवाने चाहिए थे, इस तरह तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। अरे आपा गांव की औरत है, उन्हें इन बातों का कहां पता। सब पता है उन्हें। वैसे ये पैसे कुछ ज्यादा नहीं, आप तो कह रहे थे कि आपको पैसों की जरूरत है,
कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं आपने? मैडम मुझे इन पैसों की कोई फिक्र नहीं है, मैं किसी और वजह से बहुत परेशान हूं। बिजनेस में आए दिन कोई ना कोई खपला, कोई गबन सामने आ रहा है, दिन पर दिन परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। मुझे लगता है ऐसा जरूर कुछ है जो मुझे मालूम नहीं है। दुआ करना सब ठीक है। जी बिल्कुल जी, अभी ऑफिस पहुंचा हूं। जी जी, मैं फारिग होकर खुद जाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ठीक है खान, आपकी तारीफ। सर मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं जीस फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक अदना सा मुलाजिम हूं और काफी देर से वेट कर रहा हूं आपका। फरमाइए किस सिलसिले में मिला? सर ये एक गिफ्ट है आपके लिए जो इदरीस साहब ने भेजा। क्या है? सर आप खुद खोल के देख लीजिए, मुझे तो बस कहा था कि आपको पहुंचा दूं। ये वही इदरीस साहब है ना जिनकी कोई मेडिसिन की कंपनी है? जी जी। जिनायत के सिलसिले में? अरे सर आप तो खुद समझ में आ रहा है, मैं क्या बताऊं इस बारे में। बाकी ये कि इजरी साहब आप जैसे ऑफिसर्स को पहले भी नवाजते रहे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझसे पहले यहाँ ऑफिसर मौजूद थे, आपके इजरी साहब उन्हें भी इस तरह के तोहफों से नवाजते रहे। सर आप कहें तो मैं फोन पर उनसे आपकी बात करा दूं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक सर, फिर मुझे इजाजत, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। नाइस मीटिंग। और यहां तुम मेरी बीवी हो तो बातें बना बुरा समझ, और वैसे भी मैं तुम्हें मुंह ढांपने का नहीं कह रहा, सिर्फ सर पर दुपट्टा रखने का कह रहा। Thank you.
माशाल्लाह माशाल्लाह आ गए मेरे बच्चे। अरे मैं तो तुम्हारे बगैर उदास हो गई थी, सारा घर सोना लग रहा था मुझे। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पप्पो। ये ले पप्पो, डैड ने दिया। कितने? उतने ही जितने आपने कहे थे। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम जाओगी तो खाली हाथ नहीं आओगी, और तुमने वही करके दिखाया। अम्मी आइंदा इन कामों के लिए इरम को अकेले भेजिएगा, मुझे शर्म आती है भीख मांगते। अरे बेटा इसकी बातों को दिल पे ना लगाना, ये मर्द है, खुददार भी है, पर तुमने तो मेरे लिए बेटियों वाला नहीं बेटों वाला काम करके दिखाया। फखर है मुझे तुम पर। अल्लाह तुम्हारे बाप की एक कंपनी की बजाय 10-10 कंपनियां हो, दिन रात वो तरक्की करे। आ जाओ मेरे बेटे। जी सर मैं आपको कोटेशन फैक्स कर चुका हूँ। जी सर आइए, आप बिल्कुल आइए, पार्टी में तो आप हमेशा इनवाइटेड होते हैं। अरे जिसके साथ भी आना आप आइए, आप बिल्कुल गैदर होंगे। अरे श्योर श्योर। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? आई टॉक टू यू लेटर। उस ड्रग्स इंस्पेक्टर ने खुद पैसे लिए थे मुझसे। सर वो पुलिस के साथ आया है, बल्कि खुद पुलिस को लेके आया है। फैक्ट्री को आग लगा सकते हो क्या? ये क्या कह रहे हैं सर आप? इससे पहले कि पुलिस फैक्ट्री के अंदर जाए, फैक्ट्री को आग लगा कर निकल जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सर पुलिस फैक्ट्री के अंदर आ चुकी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग क्या सो रहे थे? अब क्या होगा? डैड हमें इस मुल्क से फौरन चले जाना चाहिए। मैं मामले को फेस करके हैंडल करने का कायल हूँ, मुझे कुछ सोच लेता हूँ। क्या कब? अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। इडरीस वो फैक्ट्री में छापा पड़ गया है। हाँ मुझे पता चल गया, लेकिन क्यों? आई डोंट नो, ये यकीनन या तो किसी की साजिश है या हमारे कॉम्पिटिटर्स की चाल। मेरे ख्याल में यहाँ रह के अंदाजा लगाना ठीक नहीं होगा, हम फैक्ट्री चलते हैं। एक मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं सिचुएशन देकर उसे हैंडल करके आ रहा हूँ। What are you talking about? क्या हैंडल करके? वहाँ वर्कर्स अकेले हैं, पुलिस की रेड पड़ चुकी है, और मैं यहाँ ऑफिस में मुंह छुपा के बैठ जाऊँ? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ इकबाल। ओके लेट्स गो, कम ऑन। रुकिए मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। आपको बेल करने की कोई जरूरत? अरे भाई मैं बता दूंगी तो कौन सा कयामत आ जाएगी पिंकी? ओफो आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो भाई, कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो। अच्छा मॉम अब जल्दी से बताएं आज क्या डेट है? आज डेट, हाँ डेट 5th फेब। और 5th फेब को क्या हुआ था? कश्मीर डे। 5th फेब को डैड पैदा हुए थे, यानी आज डैड का बर्थडे है। ओह गॉड मैं तो भूल ही गई बिल्कुल। अरे पागल तुमने इतनी जल्दी क्यों बता दिया? मॉम को गैस तो करने देती, और किसी को याद ही नहीं रहा कि आज इदरीस का बर्थडे? किसी को नहीं, आपको याद नहीं रहा। डैड तो अपने ऑफिस के काम में मसरूफ है, आप उनकी अच्छी बीवी हैं तो आपको याद रखना था ना। अच्छा अच्छा अब इन सब बातों को छोड़ो मॉम, आप डैड को कॉल करके विश मत कीजिएगा, क्योंकि हम उन्हें सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं। ठीक है। आज डैड हमें ट्रीट देने वाले थे ना, उनको घर आने दें, उल्टा हम उन्हें ट्रीट देके विश करेंगे। ओके चलो ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताती, जैसे दिल चाहे करो। हैप्पी? यस। चलो 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 ढाई चलो, बंद हो गई ये फैक्ट्री है, कोई काम नहीं होगा यहाँ पर। चलो 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 वे ढाई निकल। ये क्या हो रहा है सर? तेरे को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? आया सर, हमारी कार्रवाई कंप्लीट है, सब सील कर दिया सर हमने। गुड
सर दो मिनट रुक जाएं, मेरी अद्रीस और इकबाल साहब से बात हुई है, वो आ रहे हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। देखिए जी, मैं फैक्ट्री को सील करने लगा हूँ, यहाँ रहना ही बाहर निकालो। चले 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 चले, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? आप कहता रहो इदरीस, ये फैक्ट्री मेरी है। अच्छा, तो आप हैं इदरीस साहब? जी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मैं कोई बिकाऊ माल नहीं जो आपने मुझे खरीदने की कोशिश की। व्हाट, खरीदने की क्या बात कर रहे हैं आप? आज पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं? बालिए, आप एक मिनट रिलैक्स करो, एक साइड पे हो जाओ, मैं बात करता हूँ। आप बात करने की कोई जरूरत नहीं। देखें सर, ये कानूनी कार्रवाई है, कानून का जो भी फैसला होगा बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा। यावर, यस सर, जो कहा गया उस पर फौरन अमल होना चाहिए। फैक्ट्री बंद कराओ, जल्दी आओ। ओके सर। ऐसे कैसे फैक्ट्री बंद कर देंगे आप? क्या मतलब है आपका? मेरी इज्जत दांव पे लगी, आप बात कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद कर देंगी? मैं केस कर दूंगा आपको। अरे सब क्या हो रहा है, मतलब मेरी सारी इज्जत दांव पे लग गई है, ये बकवास कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे बंद करेगा? रिलैक्स रिलैक्स इदरीस, रिलैक्स करो प्लीज, कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करूं मैं? कल एक इंस्पेक्टर आया, उसने सैंपल उठाया, आज पुलिस की रेड पड़ गई। क्यों, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? डीआईजी से मैंने बात की, वो कुछ नहीं बता रहे, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले खामोश बैठे हुए। आखिर कोई रीजन तो होना चाहिए फैक्ट्री सील करने का। किसी के पास कोई रीजन होगा तो बताएगा ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मुखालिफ कंपनियों की साजिश है। व्हाट नॉनसेंस साजिश यार, 25 साल से झक नहीं मार रहा हूं मैं इस फील्ड के अंदर। आई नो वेरी वेल, हजारों तरीके इस काम के लिए। और ये पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट को पागल नहीं है कि किसी कहने में आके इतना बड़ा स्टैप उठा ले? तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्यों, क्या यार इदरीस, ये सारी कंपनियां मिलकर पैसा लगा सकती हैं। उन्होंने ड्रग्स इंस्पेक्टर को मोटी रकम खिला दी होगी, दरअसल उन्हें हमारी ग्रोथ खटकती है। और वो ये भी जानते हैं कि हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उनके पास हमें बदनाम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन उनको करने दो, उनको अपना शौक पूरा कर लेने दो, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। देखो, हम शाम तक इंशाल्लाह ये फैक्ट्री खुलवा लेंगे। तुम अपने रिसोर्सेज यूज करो, मैं अपने रिसोर्सेज यूज करता हूं। लेकिन उससे पहले प्लीज रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, अब इतनी स्ट्रेस ना लो। बैठो बैठो। कैसे यार, प्लीज आओ। पिंकी, तुम्हें मना किया है ना, जब तक केक नहीं कटेगा कोई कुछ नहीं खाएगा। तुम्हें हर चीज की जल्दी होती है। मैं तो सिर्फ चख रही थी, वैसे भी प्लान तो मेरा ही था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्लान मेरा था कि डैड को सरप्राइज देना है। मैंने प्लान बताया था। पिंकी क्या हो गया तुम्हें? डैड आ गए, चलो चलो चलो। हेलो डैड, ये कोई टाइम है आने का? टाइम देखा है आप? कल आपने हमसे कुछ प्रॉमिस किया था। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? डैड आप प्रॉमिस भूल गए? चलो जाया, अब हम चलते हैं, अब हम मामा से कोई भी बात नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। चल। अरे मेरा बच्चा, जान क्या किया था मैंने प्रॉमिस? मुझे बताओ तो सही। आप ही के आने की खुशी में आपने कहा था कि आज आप ऑफिस से जल्दी आएंगे और हमें कहीं बाहर लेकर जाएंगे। माय गॉड, आई एम सॉरी, वो ऑफिस के चक्कर में भूल गया बेटा। पर डैड आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? क्या आपकी बेटियों से ज्यादा आपका काम इम्पोर्टेंट है?
नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। मेरी जान, मेरे लिए सब कुछ आप लोग हैं, ठीक है ना? एंड आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ओके? तुम लोग जल्दी से चेंज करो, तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। हम रेडी हैं, आप जाइए और जल्दी से चेंज करके आ जाइए। चलो ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, ओके? चले रहा आपको क्या लगा आप अपना प्रॉमिस भूल जाएंगे तो हम आपको कॉल करके याद ही करा सकते? बल्कि हम इसी तरह आपको सरप्राइज देना चाहते थे। और हाँ डैड, आज आप एक और बात सुन लें, आज आप अपने सारे सेलफोन्स ऑफ कर दें। ना ही आप किसी ऑफिस की कॉल अटेंड करेंगे और ना ही किसी को कॉल करेंगे। आज आप अपना होल डे हमारे साथ स्पेंड करें और हम आपके साथ। दिस इज माय डॉटर, पापा की जान, व्हाई नॉट, आई एम विद यू ऑल द टाइम। थैंक यू ज़ारा बेटी, मोस्ट वेलकम पापा। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, फिर केक काटते हैं, ओके? समय बेटा, दो टिकट्स बुक कराओ यूएसए के, क्योंकि अगर हालात काबू ना आए तो मामला बिगड़ सकता है। सर फिर मेरा क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा क्या होगा? सर आपके साथ मैं भी इन्वॉल्व हूँ, अगर आप लोग बाहर चले जाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा। तुम्हारा ताल्लुक अकाउंट से है, फैक्ट्री से नहीं। ये फैक्ट्री का रोना रो रहे हैं, अकाउंट्स का नहीं। सर डोंट वेस्ट योर टाइम और बुक करो। एक मिनट, टेलीफोन से नहीं, ये अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया। तुम खुद जाओ और टिकट लेके आओ, राइट? ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान से। इद्रीस, क्या बात है, आज आप मुझे कुछ अपसेट लग रहे हैं। नो नॉट ऑल, आई एम ऑल राइट, ऐसी वहम हो रहा था। आप अपनी परेशानी मुझसे छुपा नहीं सकते, बताएं क्या बात है। अच्छी खबर नहीं है, फैक्ट्री सील हो गई है, पुलिस की रेड पड़ी थी। क्या पुलिस की रेड? बच्चों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आ जाइए मॉम डैड, तैयारी हो गई। अरे बेटा अरेंजर्स कर। लेकिन इद्रीस ये तो प्लीज, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, प्लीज आज अपने माथे पे कोई परेशानी की शक्ल लेकर ना आना, वरना बच्चों की खुशी गम में बदल जाएगी, प्लीज। अब आप लोग अपनी पर्सनल बातें बाद में करेगा, अभी आ जाए ना, ये तो कैंटीन से निकल जाएंगी। हाँ हाँ चल आ गए। थैंक यू, वेरी लवली, क्या अरेंजमेंट है। कौन काटेगा? थैंक यू, स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ले मेरी। पहले हम इस छोटी सी अपनी बेटी को खिलाते हैं, है ना? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
तुमने कौन सी खुशबू लगाई है? वही जो रोज लगाता हूँ। नहीं, ये परफ्यूम तुम रोज नहीं लगाते, ये तो कोई शहरी परफ्यूम है। अम्मा को तहसीलदार ने लाके दी थी और कहा था कि शहर के पढ़े लिखे लोग लगाते। अम्मा ने वो परफ्यूम मुझे दे दी थी। कहीं ये तुम्हारी बीवी तो नहीं लाई? क्या हो गया मैडम साहब, ये परफ्यूम तो अक्सर लोग खरीदते हैं, ये किसी एक की मिल्कियत थोड़ी। तुम अपनी बीवी के पास जाते हो? ये क्या बात है मैडम साहब, जवाब तो मुझे। तुम अपनी बीवी के पास जाते हो? क्या हो गया मैडम साहब, ऐसी बातें करके अपने आप को उलझनों में क्यों डाल रही थी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे जवाब दो असद। तुम अपनी बीवी के पास जाते हो या नहीं? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बीवी वहां उस घर में सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से है। वैसे बीवी कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो उसे शक हो जाएगा, फिर ये बात उसके बाप तक पहुंचेगी, मेरी माँ का बैंक बंद हो जाएगा। उसके बाप बेईमान बुद्धल इंसान, झूठे हो तुम, दोगले इंसान हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम उसके पास कैसे गए? मेरे साथ क्या हो गया तुम्हें? मुझे जवाब दो सर, तुम उसके पास कैसे गए? जवाब दो मुझे। होश करो, क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए तुम? सब्र से काम लो, न दिल बड़ा करो और अच्छे वक्त का इंतजार करो, बस। थैंक यू बेटा। और ये रहा आपका लैपटॉप। क्या जरूरत थी बेटा, मैं उठा लेता खुद। आप नहीं उठाते, आप भूल जाते हैं, फिर ऑफिस जाकर ड्राइवर को भेजते हैं लेने के लिए। ओके माय साइड प्लीज, आपका याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके अल्लाह माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज। लेकिन आप बगैर ट्रैवल के कैसे जाएंगे? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या पुलिस इदरीस, क्या हो रहा है, क्या चाहिए आपको? ये कैसे आ गया आप बगैर इजाजत मेरे घर के अंदर? यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर इदरीस, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। व्हाट, थाने? जी। डैडी क्या हो रहा है, बताए ना डैडी, लोग आपको क्यों लेके जाएंगे अपने साथ? आखिर बात है क्या डैड? एक मिनट, किस जुर्म में गिरफ्तार करने आया आपको? हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है, वजह थाने चल के बताऊंगा। चलिए डैड, प्लीज आप टोटली इलीगल, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप पहले अपने लॉयर से बात कीजिए, फिर जाइएगा। आप इकबाल भाई को फोन करो, उनसे कहिए मैं कि मुक्सी लॉयर को कॉल करें। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। ओके नहीं डैड, डैड नहीं, मामा बोले ना डैड को, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मैं ना, बच्चों को संभाल लूंगा, मैं भी आता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके मामा डैड को रोको ना, अभी आ जाएंगे, मेरा बच्चा मामा डैड को रोको। मामा डैड, मेरी बात मेरी बात सुन, मेरा बेटा मेरी जान, मेरी बात सुन, देखो इन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी,
कंट्रोल करो अपने आप को, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, ये ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी करने की। मैं अभी वापस आ जाऊंगा, डोंट वरी। डैड आपने लॉरेंस से बात क्यों नहीं कर रहे? मैं करता हूँ, मेरा सब करता हूँ। आप लोग छोड़ मेरे डैड को, मेरे डैड आप लोग के साथ ही जाएंगे, छोड़ दे। नहीं मामा, मामा डैड करो, डैड खामोशी से लगता है कि आप बहुत कुछ जानती। प्लीज हमारा इम्तिहान ना ले, हम हर तरह की न्यूज सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें बताइए कि सच क्या है, हुआ क्या है, बताइए। बेगम साहिबा, जल्दी टीवी लगाएं, साहब की न्यूज आ रही है। झूठ बोल रहे ना, डैड तो ऐसे नहीं कर सकते ना, मॉम बताए ना प्लीज, ये भी झूठ बोल रहे ना, डैड को डैड ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सब उनके खिलाफ साजिश। बेटा अब कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। डैड मैं ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूं। बस बेटा बस कर, मम्मी सब झूठ है, डैड इस तरह नहीं कर सकते, हमारे डैड ऐसे है ही नहीं, नहीं है। क्यों करेंगे मुझे मालूम है, संभालो खुद को प्लीज। अगर क्यों कोई डैड के ज्यादा ऐसा करेगा, स्टैंडिंग हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, सुबह सुबह अब सोने भी नहीं दोगे तुम लोग तो, सुबह सुबह उठ जाते हैं, दूसरों की नींद हराम कर देते हैं। अरे भाई कोई मुझे बताएगा या नहीं ये क्या हो रहा है, मामा क्यों रो रहे हैं ये लोग? अरे डैड को पुलिस ले गई है, उन पर जाली दवाइयां बनाने का इल्जाम है, और अब ये न्यूज टीवी पे भी आ गई है। तुम्हारे डैड लॉकअप में है और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है,
जब तक तुम्हारे डैड रिहा होकर घर नहीं आ जाते तुम घर में रहा करो। असद रात को इसलिए जाता है कि वो देखिए कोई बदनीयत उसकी फसलों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। ऑफिस के नाम पे डैड ने कोई लोन लिया, लोन अदा ना करने की सूरत में नोटिस आया है। तुमने सुबह अम्मी से मेरी शिकायत की? पिछले 6 महीनों से उन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जिसकी वजह से घर जब्त कर लिया जाए। बस बेटा उसने दोस्त बन के मेरी जड़े काटी। तुम ये सब बातें करके मुझ पर अपने तालीम याफ्ता होने का रोक छाड़ रही? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ।